गुड मॉर्निंग क्लास फोर सब्जेक्ट EVS। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर सेकेंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके दो टॉपिक्स हमने बताए कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। हमने एक एक्टिविटी बेस भी की है, जैसे थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ऑन, कौन सी चीज़ें जो खुद ब खुद चलती है, ये हमने कल पढ़ा है, और कौन कौन सी चीज़ें जो खुद ब खुद नहीं चलती है, थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। आज तो हमने आज हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, जो हमने आगे पिछकाल वो एक्टिविटी की है उससे हमें क्या सबक मिलता है। हमें ये सबक मिलता है कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देमसेल्व्स। इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बींग जो है, एनिमल्स जो है, बर्ड्स जो है, फिश जो है, इंसेक्ट्स है, एक जगह से दूसरी जगह खुद खुद जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स। सम अदर थिंग्स लाइक रोप है, कार है, स्टोन है, अच्छा बेंच है, चेयर है, पेंसिल है, बुक, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, लिविंग थिंग्स कैन मूव बट नॉन लिविंग कैन नॉट मूव। अब देखिए प्लांट्स जो है, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट प्लांट इज ए लिविंग थिंग्स। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं दैट शोज द साइन ऑफ दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन मूव। कैसे? नॉर्मली प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। बट सम प्लांट शो सम टाइपिकल मूवमेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मूवमेंट दिखाते हैं, अपनी बॉडी का मूवमेंट दिखाते हैं, दैट मीन्स दे कैन बी एक्सपेंड एट सम टाइम एंड दे कैन बी कंट्रैक्ट एट सम टाइम्स। देखिए दिस इज ए प्लांट, ये क्या है, ये नीचे प्लांट है, ऊपर क्या है, सन। दैट मीन्स वेन द सन रेज फॉल्स ऑन द प्लांट, जब जो सन की किरणें इन प्लांटों पे पड़ती है, दे एक्सपेंड। देखिए यही ये बता रहा है, सम प्लांट्स सम फ्लावर्स ओपन इन द सनलाइट एंड क्लोज इन एट द सनसेट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ओपन होते हैं कहाँ, वेन सन की किरणें इनके ऊपर, दे एक्सपेंड इट, लेकिन जब सन डूब जाता है ये अपने फॉर्म में खुद जाता है, दैट इज साइन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। इन सम प्लांट्स कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। एक देखिए दूसरा प्लांट है, दिस इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट, एक तरह का, द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर्स इज अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट। That means कहने का मतलब यह है कि some plants can show the movement. Some plants, not all the plants, but some plants show a typical movement that they can move. They can move by expanding and contracting. देखिए this is a plant. Leaves of some plants such as touch me not, एक plant है touch me not, shrinks when we touch them. बच्चों श्रिंक क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। देखिए वो छोटा होता है, ये देखो बड़ा है, जब इसको टच करते हैं ये श्रिंक हो जाता है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये भी एक मूवमेंट है इन प्लांट्स। वंस अगेन लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू यू ऑन द टेबल एंड द प्लांट्स। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि प्लांट्स, सम प्लांट्स ऑल्सो शो ए टाइपिकल मूवमेंट। यस, वट थिंग्स डू यू नीड, अब हम आगे और आते हैं। वट प्लांट्स डू यू थिंक यू नीड्स टू से अलाइव, वट थिंग्स डू यू नीड, आपको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, आपको क्या चाहिए? वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव, दैट्स अ कॉमन थिंग।